केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछोड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रीतम लोधी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने खनियाधाना विरासत के महाराजा महान क्रांतिकारी खरक सिंह जुदेव और बुंदेला शासक राजवीर वृषभदेव सिंह को प्रणाम किया। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बैठाना है। केंद्र में सोनिया जी हैं, वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। यहाँ कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो वो देश और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो केवल और केवल घोटाला कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार विकास विरोधी है। जब यहाँ 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने सहरिया जनजाति को मिलने वाला 1,000 रुपये बंद कर दिया और स्किल सेल एनीमिया मिशन भी बंद कर दिया, लेकिन इन सभी योजनाओं को भाजपा की सरकार ने फिर से शुरू करने का काम किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया और भटकाया। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और अब प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। दीपावली देश में एक बार फिर मनाई जाएगी। पहला दीपावली का त्यौहार दूसरी बार 3 दिसंबर को ये भाजपा की सरकार बनने पर और तीसरी बार 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में भव्य प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मनाई जाएगी। और कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। संवाददाता चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहां कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, आपको निर्णय करना है कि करप्शन नाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण करने वाली सरकार चाहिए, कांग्रेस का 2G घोटाला करने वाली सरकार चाहिए या मोदी जी की 5G की गति देने वाली सरकार चाहिए, वो आपको तय करना है। पॉलिटिक्स ऑफ परिवार चाहिए या पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, वो आपको तय करना है। माताओं, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाया, नई पार्लियामेंट बनाई, देश में कर्तव्य पथ बनाया, पार्लियामेंट के अंदर सिंगोल स्थापित किया, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, नया केदार धाम बद्रीनाथ का परिवर्तन किया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का वॉट, मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाला वॉट। आपका एक वॉट 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वोट है। अतः मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे? प्रीतम लोधी को विधायक बनाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पिछोड़ वालों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और साधुवाद।